जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप लोग के लिए विसर्जन की वीडियो है, अभी आप लोग को मैं करके दिखा रही हूँ कि हम कैसे विसर्जन करेंगे, किस प्रकार से सारे सामान को हटा लेंगे, विसर्जित कर देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो को, सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा और पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलता है, आगे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम माँ को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाए थे वो उठा कर रख देते हैं। अगर आपको पंडित मिल जाता है तो आप इसे पंडित को दान कर दीजिए, अपने घर की बेटी को, ननद को, भगनी को दे सकते हैं, लेकिन ये मायके पक्ष में नहीं दिया जाता है, ससुराल के किसी भी बेटी को, कन्या को आप दे सकते हैं। अब रहा हमारा खोइछा, तो देखिए हम खोइछा माँ को जो दिए थे और ये जो हम अपने लिए रखे थे, पिछले वीडियो में मैं आप लोग को दिखाई थी, तो ये जो हम अपने लिए रखे थे आप लोग को मैं बताई हूँ, इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने पेटी बक्से में, तिजोरी में रख दीजिए, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहेंगी। दीपक का क्या करना है? देखिए, दीपक ये अशुद्ध नहीं होता है, माना जाता है कि मिट्टी का दीपक अशुद्ध हो जाता है, लेकिन इस दीपक को आप धोकर रख दीजिए और किसी भी शुभ मौके पर, जैसे आपके घर में कोई भी शुभ मौका आता है, हमारे बच्चों का जन्मदिन, हमारी मैरिज एनिवर्सरी, उस दिन आप इस दीपक में दीप प्रज्वलित कीजिए और माता को भी दिखाइए और अपने घर में रखिए। देखिए आपके घर में कितनी खुशियां बनी रहेगी, क्योंकि माता की हमारी 9 दिन की पूजा हुई है ना, 9 दिन का अंश इस दीपक में छिपा हुआ है, तो इस दीपक को आपको विसर्जित नहीं करना है, बाकी इसमें जो भी फूल पत्ती है हम उसको विसर्जित कर देंगे। जितने फूल पत्ती हैं हम इसी में उठा लेते हैं और ये जितने फूल उल हैं सबको हम इसी में विसर्जित कर देंगे। जो हमने नवग्रह बनाए थे, नवग्रह को भी हमें विसर्जित कर देना है। ये जो हम गणेश भगवान बनाए थे इनको भी हम विसर्जित कर देंगे, तो इसी में आप रख दीजिए, गणेश भगवान को भी आपको विसर्जित ही करना है। और साथ में ये जो प्रसाद है, माँ का प्रसाद है, ये तो हम रखेंगे, हमारे बच्चे, हम खुद खाएंगे इसे प्रसाद को। जो भी फूल वगैरह है, इस फूल को, जितने फूल हैं सबको हटाकर आप विसर्जित कर दीजिए। जो है पूजा का, इसको आप अपने घर में छीटा लगा दीजिए। खोइछा का जो भी है ना, तो ये किसी कन्या को चुंदरी के साथ ही आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये हम नहीं रखते हैं। जो भी है इसमें, अगर आप चाहें तो जो आपके चढ़ावा का, आरती का जो भी पैसा वैसा रहेगा, वो पैसा कुछ फल फ्रूट रखकर किसी कन्या को आप दान कर दीजिए। हम ये पूरा खोइछा को उठा लिए हैं, इसको हम दान कर देंगे और माता की प्रतिमा को आप उठा लीजिए, वापस आप अपने मंदिर में माता को विराजमान करा लीजिए। अब रह गया हमारा कलश, कि हमें कलश का क्या करना है। तो देखिए, इस पर की जो नारियल होती है, बहुत लोगों की सस्पिशन रहता है कि इसको हम जल प्रवाहित कर दें या अपने घर में रखें। नहीं, इसको जल प्रवाहित नहीं करना है। अगर आपके घर में पुरोहित आते हैं, पंडित, पूजा के लिए, तो उनसे ये नारियल इस प्रकार से उठवा लीजिए और अपने आंचल में रख लीजिए। पंडित अगर आपके घर नहीं आते हैं और छोटी कन्या है आपके घर में, कुंवारी लड़कियां, तो उससे ये आप अपने आंचल में ले लीजिए। दशहरा के दिन या पूर्णिमा के दिन इसको छीलिए नारियल को और प्रसाद रूप में पूरा परिवार इसको खाइए। ये बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि 9 दिन की अंश माता रानी की इसमें है, पूरे 9 दिन की अंश है। इसलिए हम इस नारियल को जल प्रवाहित भी नहीं करेंगे और किसी को दान भी नहीं करेंगे। बाकी इसके अंदर का जो जल है, इसके अंदर के जो भी जल है, उस जल को आप एक डब्बे में भर कर रख दीजिए। बहुत ही पवित्र जल है, बहुत ही पवित्र जल। आपके घर में कोई अच्छे काम के लिए जाता है, कहीं जत्रे पे अच्छे काम के लिए, तो इस जल में से एक चम्मच उसको पिला कर भेजिए। बच्चे कहीं अच्छा इंटरव्यू देने, पेपर देने जा रहे हैं, तो बच्चों को दीजिए, पीकर जाए इसको। इससे बड़ा जत्रा और इससे बड़ा शुभ का चीज कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे 9 दिन का, 9 देवियों का सिद्ध किया हुआ जल इसके अंदर है, तो ये बहुत ही पवित्र है। इसलिए इसको फेंके ना, डब्बे में भर कर रखें। और जो जवारे उपज के आएंगे आपके बड़े बड़े, तो देखिए हमें जल को भी दूषित नहीं करना है, तो जवारों को आप थोड़ा सा काटकर अपने घर के देवी देवता को चढ़ा दीजिए मंदिर में, और सभी परिवार थोड़ा थोड़ा लेकर अपने माथे चढ़ाइए। उसके अलावे जो आपके जवारे बचते हैं उसे गाय को दे दीजिए खाने के लिए।
अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो उसको भूमि विसर्जन कर दीजिए। लेकिन हमें जल को दूषित नहीं करना चाहिए, नदी तालाब के जल को। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ जल प्रवाहित करते हैं तो कर दीजिएगा। जल प्रवाहित ही किया जाता है नियम के अनुसार, लेकिन अभी इतनी पोल्यूशन बढ़ गई है कि हम जल को भी दूषित नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको रख दीजिए। और ये जो कपड़ा है आप इसको उठा लीजिए, इसको साफ स्वच्छ धो लीजिए, क्योंकि 9 दिन हम पूजा पाठ किए हैं तो धूप अगरबत्ती से गंदा हो जाता है, और इसको आप पूजा पाठ के काम में यूज कीजिए। तो कुछ फेंकना नहीं है, जो भी आपके डेकोरेशन का सामान है उसको आप उठाकर अपने जगह पे लगा लीजिए। इसी तरह से तो विसर्जन किया जाता है। आप लोग बहुत दिन से वीडियो मांग रहे थे, आशा करती हूँ पसंद आया होगा, आप लोग सब कुछ समझ लिए होंगे बात। इसी प्रकार से आप भी विसर्जन कीजिएगा। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की पूजा पाठ की अन्य वीडियो में। जय माता दी।